अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। Well, Mr. Akshay, I shall take your leave. वो क्या है कि I'm getting late. Actually, मुझे ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। Of course. पंडित जी से बात करके शादी की तारीख निकलवा लेता हूँ और उसके बाद you know what? Absolutely. Thank you so much. Take care and see you soon. See you soon. Milte hain. Bye bye. Bye. ध्यान से देखो इस कुंडली को, इसमें तुम्हारी बर्थडे, प्लेस और टाइम सब साफ साफ लिखा हुआ है। और ये बात तुम भी जानते हो, अब हमें तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये वाली कुंडली रियल है, और जो कुंडली मोहिनी आंटी ने अश्मित अंकल को दिया पंडित से मिलवाने के लिए, वो वाली कुंडली फेक है। निया, हम तुम्हारी बहन है, हम तुम्हारा भला चाहते हैं। हमारी माँ हमेशा कहती है, झूठ की बुनियाद पर ना जिंदगी ज्यादा दिन तक चलती है और ना कोई रिश्ता। आज नहीं तो कल अश्मित अंकल को मोहिनी आंटी के इस झूठ का पता चल ही जाएगा ना, और फिर क्या होगा? तुम्हें लगता है कि वो तुमसे कोई भी रिश्ता रखेंगे? और उन्हें दुख नहीं होगा मोहिनी आंटी के इस धोखे के बारे में जानकर? पर ऐसा भी तो हो सकता है कि सच कभी बाहर ही ना है, और कल के डर की वजह से क्या मैं अपने आज की खुशियों को छोड़ दूं? और छवि दी, आप ना बहुत प्रिडिक्टेबल है। मुझे अच्छे से पता है कि मेरे सामने खड़े होकर आप ये जो बातें कर रही हैं वो सब आपको अप्पू आंटी ने सिखाई, लेकिन आप मुझे कितना भी समझा लीजिए, मुझे आपकी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं तो ये सब कुंडली वुंडली में मानती तक नहीं। और हाँ, एक और बात, अप्पू आंटी और डैड की कुंडली भी तो मैच हुई थी ना, उसका क्या रिजल्ट निकला? सच तो ये है दी कि अप्पू आंटी बस नाटक करती हैं, मेरी परवाह करने का, मेरी केयर करने का। एंड मुझे अच्छे से पता है वो ये सब क्यों करती हैं, क्योंकि आपका रिश्ता टूट चुका है और वो दिशा बेचारी अर्जुन को फंसा नहीं पा रही है ना, तो इसी सब बातों का फ्रस्ट्रेशन वो मुझ पे निकाल रही है। और यहाँ आपको देखो, आप मेरे सामने खड़े होकर मुझे ही कन्विंस कर रही हैं कि मेरा रिश्ता टूट जाएगा। मेरे मन में ये डर डाल, साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट कर रही हैं मुझे। My mom was absolutely right. उनके इस घर से जाने की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अप्पू आंटी है। But don't worry, आप मुझसे कुछ भी कह लीजिए, मुझे आपकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। Please try to understand. हमारी माँ इस बात से डर रही है कि कहीं तुम मोहिनी आंटी के रास्ते पे चलते चलते उनकी जैसी ना हो जाओ। Look, हमारी माँ को तुम्हारी माँ से कोई लड़ाई नहीं जीतती, पर वो एक हद से ज्यादा ना तुम्हें भी नहीं समझा सकती है। अगर तुमने ये फैसला कर लिया है ना कि तुम्हें मोहिनी आंटी जैसा ही बनना है, तो हम सब चाहकर भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। पर हमने भी फैसला कर लिया है। हमारी माँ ने हमें यहाँ भेजकर, तुम्हें समझाने के लिए भेजकर, एक माँ होने का धर्म निभाया, और वो हमेशा निभाएंगी। हम भी उनकी बेटी होने का धर्म निभाएंगे, अपने पापा को अपनी बहन के बारे में सब कुछ सच और साफ साफ बताकर। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।